इंटरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब सेंटेंस में से रहा है, से रहे हैं और से रही है, होगा, ठीक है। और इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव का मतलब है कि क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क होगा क्या मतलब है, सेंटेंस में क्या होगा या फिर कौन होगा, किसका होगा, हाउ, व्हाट, वेयर, ऐसे वर्ड्स होंगे, डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका रूल देखेंगे, रूल ऑफ इंटरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंसेस या फिर टेंस। अब देखिए सेंटेंस में क्या होगा, या तो क्या होगा, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ये होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ये जो सेंटेंस होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं इंटरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंसेस को। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट has been, have been, verb की first form plus ing plus subject since for plus time, ठीक है, since किसी particular time के लिए, for temporary timing के लिए, ये मैंने इसके rule में पहले ही समझा दिया है। लेकिन आज का है negative में interrogative, interrogative मतलब question mark है। अब question mark है तो जब भी कोई question mark वाले जो हमारे sentences होते हैं हम क्या करते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ जो भी इज एम आर या जो भी लगा होता है अपनी जगह को रिप्लेस कर लेते हैं। सेम इसमें भी यही होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस है तो इसमें हम हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो हैज हैव और जो सब्जेक्ट है वो अपनी जगह को रिप्लेस कर लेंगे, लेकिन बीन अपनी जगह को रिप्लेस नहीं करेगा। बीन कहता है मैं अपनी जगह पे रहूंगा, लेकिन सब्जेक्ट और हैज और हैव बीन मान जाते हैं कि चलो हम अपनी जगह को रिप्लेस कर लेते हैं। तो क्या हो जाता है, हैज बीन और हैव, जो हैज और हैव है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं, सब्जेक्ट हैज और हैव की जगह पे चला जाता है, लेकिन बीन नहीं मानता तो बीन सब्जेक्ट के साथ ही रह जाता है, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और प्लस टाइम एज इट इज रहेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। लेकिन इसमें मैंने कहा कि इसमें हू, डब्ल्यू एच फैमिली के, हाउ, वेयर, ऐसे वर्ड्स भी आ सकते हैं। अगर ऐसा कोई वर्ड आता है तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले जगह ले लेते हैं अपने, यानी कि हैज और हैव से भी पहले अपनी जगह को प्लेस कर लेते हैं। इंटरोगेटिव के केस में हैज और हैव से भी पहले आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि क्या है ये, इंटरोगेटिव है और हम इंटरोगेटिव हैं, इसलिए वो कहते हैं हमें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, उसको प्रायोरिटी मिलती है तो वो सबसे पहली जगह ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एज यू नो ही शी इट नेम के साथ हैज बीन लगेगा, लेकिन अब इसमें क्या हो गया है, has और subject ने अपनी जगह replace कर ली है, लेकिन been वही रहा, तो has subject been आएगा या have subject been आएगा। he she it name है तो has subject been, और I we they you है तो have subject been आ जाएगा, ठीक है। लेकिन he she it name के साथ has been ही लगता है, has लगता है, और I we they you के साथ have लगता है। अब इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। तो अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि इंटरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंसेस से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस है जो है, क्या हम सुबह से चल रहे हैं, क्या हम, वी के साथ हैव लगता है, हैव सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा, तो कहेगा हैव फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, we, have we, फिर been, have we been walking, walk, verb की first form plus ing, walking, सुबह से, सुबह का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया इसलिए for आएगा, for morning, तो क्या होगा क्वेश्चन मार्क लास्ट में, have we been walking for morning। नेक्स्ट वन इज, क्या राधा 5 बजे से रो रही है, राधा कोई नेम है तो हैज,
Has Radha been? Has Radha been? Rona, cry. Verb ki first form plus ing. Crying. Has Radha been crying? 5 o'clock. Particular time diya gaya hai. 5 o'clock. Isliye since aayega. Since 5 o'clock. Has Radha been crying since 5 o'clock? Next one is, वह एक घंटे से मीठा क्यों बोल रहा है? क्या आ गया? क्यों? Why? WH family का word आ गया. तो वो क्या करेगा? सबसे पहले आ जाएगा. Why? बाकी sentence as it is रहेगा, जो उसके rule के according है. कोई he रहा है. He के साथ has. तो why has he been? ठीक है, सब्जेक्ट और हैज ने अपनी जगह रिप्लेस कर ली थी, लेकिन बीन अनबीन ने अपनी जगह नहीं छोड़ी. और वाई आ गया तो सबसे पहले आएगा, उसने अपनी प्योरिटी ली है. तो वाई हैज ही बीन स्पीकिंग पोलाइट, मीठा बोलना, ठीक से प्यार से बोलना, पोलाइट, स्पीकिंग पोलाइट फॉर वन आवर. वन आवर पर्टिकुलर टाइम नहीं होता वन आवर का, ठीक है, तो फोर लगाएंगे, फोर वन आवर. नेक्स्ट वन इज, क्या तुम सुबह से मुझे याद कर रहे हो? यू, यू के साथ क्या लगता है? हैव, तो हैव पहले आ जाएगा, क्योंकि क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इंटरोगेटिव है, और से रहे हो है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी है. हैव यू बीन, याद करना, मिसिंग, मिस इंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. हैव यू बीन मिसिंग मी फॉर मॉर्निंग, सुबह से, पर्टिकुलर टाइम नहीं है सुबह का, तो फॉर मॉर्निंग. नेक्स्ट वन इज, क्या मैं 2 बजे से सिलाई कर रही हूं? मैं, आई के साथ हैव. हैव आई बीन, क्या हैव आई बीन स्टिचिंग, सिलाई करना, स्टिचिंग. सिंस 2 o'clock, पर्टिकुलर टाइम दिया गया है 2 o'clock का, तो आई हैव बीन स्टिचिंग सिंस 2 o'clock, क्वेश्चन मार्क पे ये सेंटेंस खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज, क्या वह 2011 से तुम्हें फोन कर रहा है? ठीक है, तो हैज ही बीन, ही कोई लड़का है, ही के साथ हैज लगता है. हैज ही बीन कॉलिंग यू सिंस 2011, कोई पर्टिकुलर ईयर दिया गया है तो 2011, तो सिंस लगेगा. Has he been calling you since 2011? अब देखिए सब में से रहे हैं, से रही है, से रहा है, से रहे हैं, से रहे हैं, रहा है, से रही है, आ रहा है. इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, और जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो has been और have been का यूज होगा. ठीक है, अब जब नेगेटिव वाले हमने पिछली बार किए थे तो नॉट कहाँ आ रहा था? हैज और हैज हैव और बीन के बीच में नॉट ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन इंटरोगेटिव में क्या हो गया? सब्जेक्ट और हैज हैव ने अपनी जगह रिप्लेस कर ली, लेकिन बीन अपनी जगह पे ही रहा, बीन ने अपनी जगह रिप्लेस नहीं की, और डब्ल्यू एच फैमिली ने अपनी जगह सबसे पहले ले ली अगर कोई है तो. जैसे कि इस केस में है कि वह 1 घंटे से मीठा क्यों बोल रहा है, तो why, तो उसने सबसे पहले अपनी जगह को प्लेस कर लिया कि ये मेरी जगह है, मुझे प्रायोरिटी मिलनी ही चाहिए. ठीक है, तो ये इंटरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस होते हैं. जो हमारा आज का वर्ड है वो हम देख लेते हैं, वो है कपल और पेयर में क्या डिफरेंस है. कपल क्या होता है? दो चीजों को जोड़ना, किसी का जोड़ जो होता है वो कपल होता है. ठीक है, दो चीजों का जोड़ उसे क्या बोलेंगे हम? कपल. नेक्स्ट होता है पेयर. पेयर क्या होगा? दो एक जैसी चीजें, दो चीजें जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी हों, उसको हम कपल नहीं बोलेंगे, वो उसको हम बोलेंगे पेयर. ठीक है, जब दो चीजों का जोड़ होता है उसे कपल बोलते हैं, लेकिन जो दो एक जैसी चीजें हैं उसे हम पेयर बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज, आज हम अपना जो प्रोवर्ब कर रहे हैं वो क्या है? हमारा जो प्रोवर्ब है, चुप का मतलब आधी मर्जी या आधी हाँ. ठीक है,
अभी जो अगर कोई इंसान चुप है, अगर हमने उसे कुछ कन्वेंस किया है और वो चुप है, इसका मतलब है कि वो एग्री कर रहा है, हाफ एग्री कर रहा है हमें, तो इसको हम क्या बोलेंगे? साइलेंस इज हाफ कंसर्न. जो साइलेंस होती है वो आधी कंसर्न होती है, आधी हाँ होती है. तो ये हमारे यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस का टॉपिक खत्म होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू.